ये मैं जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट और उनका काम, जिसके चलते वहाँ पर भारी जीत हुई हरियाणा में। और दूसरी बात है कि एक मिथ्या टूटा है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जा रहा था कि शेड्यूल कास्ट के लोग उनके नहीं होते हैं, वहाँ शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा सब मिल करके जाट बंधु कम दिए हैं, लेकिन उसके अलावा सब लोग पूरा वोट दिए, जिसके चलते वहाँ जीत हुई। सर, आपने एक बयान दिया है आज की चिराग, ये क्या बोलते हैं, रामविलास पासवान के जो है वो असल वारिस पशुपति कुमार पारस है, चिराग पासवान नहीं सर, उत्तराधिकारी। नहीं 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 नहीं, वो बात हमने नहीं कहा है, गलत है अगर किसी ने कहा है। हमने कहा है कि भाई घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए, बाहर में सब एक होकर के रहना चाहिए, ये हमने कहा। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि वो रिश्तेदार हो सके हैं पर उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं। अब उनका अपनी बात है, वो मैं नहीं कर सकता है। हाँ, एकदम हमारे बयान का गलत अर्थ निकाला। हमने कहा है कि घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए और बाहर में अपनी लड़ाई नहीं जानी चाहिए, सब मिलजुल करके राजनीति करनी चाहिए, जिससे कि दलित वर्ग के लोगों का उत्थान हो।